उपस्थिति में आए हैं और प्रभु आपकी उपस्थिति में हमें शक्ति सामर्थ बल मिलता है और जब आपका वचन आता है तो हमको वो जीवन की रोटी मिलती है। परमेश्वर अगर हमको ये रोटी नहीं मिलेगी तो हम कैसे रहेंगे प्रभु। जैसे शरीर के लिए हम रोटी खाते हैं और हम तंदुरुस्त रहते हैं, हम बीमार नहीं पड़ते, वैसे ही हमारे आत्मा के लिए तू रोटी दे। और परमेश्वर आज जो भी वचन आएगा तो हमें समझा प्रभु, हमें पवित्र आत्मा आप चलाइए और हर किसी को स्पर्श करिए, लोगों से हम सारे भाई बहनों से बातें करिए और आपके वचन में हमें चलाइए प्रभु यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना ये प्रार्थना करती हूँ कि हमको वचन प्रभु पवित्र आत्मा सिखाएंगे और हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करने जा रहे हैं और हमारे जीवन में एक गवाही होने जा रही है। प्रभु यीशु के नाम में सारी कलीसिया मिलकर कहेंगे आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन में देखेंगे पहला कुरिन्थियों दूसरा, हाँ पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, उसका हम लोग 33 और 34 पढ़ेंगे। धोखा न खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं यह कहता हूँ। हालेलुया, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। हालेलुया, मराठी में पढ़ेगा कोई, जोर से पढ़ना। फसु नका कुसंगति ने, फसु नका पर ऐसे वैसा पढ़ने का, फसु नका कुसंगति ने नीति बिगड़ते। नीति मत्वा संबंधाने शुद्धि वर या आणि पाप करू नका, कारण कित्येकांना देवा संबंधीचे ज्ञान नाही, हे मी तुम्हाला लाजवण्यासाठी बोलतो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे पौलुस की हम सभी से बात कर रहा है। पौलुस इस अध्याय में क्या लिखता है कि धोखा न खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। क्या कर देती है? अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ये प्रभु यीशु मसीह आप लोग से कह रहा है कि तुम अंतिम दिनों में, ये जो अंतिम दिन शुरू हो गया है या हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में किसी ना किसी व्यक्ति से मिलते हैं ना, परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है, तुम धोखा ना खाना। ये वचन कह रहा है धोखा ना खाना बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यहाँ पर यीशु मसीह जो ये वचन कह रहा है पौलुस, ये वचन नहीं कह रहा कि कोई बुरी संगति में, मतलब कोई लत में है ना, जैसे कोई शराब पीता है उसकी संगति में, वो संगति की बात नहीं कर रहा, वो तो है ही, लेकिन दूसरी संगति इसमें है कि हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, हम किसी और के पास ना जाके फंस जाए, है ना, हम किसी और के पास ना फंस जाए। हालेलुया, अगर हम लोग मत्ती की किताब में देखेंगे 24वां अध्याय में, हमने लास्ट शुक्रवार पढ़ा था ना कि तुम भरमाए ना जाओ, यीशु मसीह क्या कहता है, तुम भरमाए ना जाओ, नहीं तो क्योंकि अंतिम दिनों में ऐसे मेरे नाम से बहुत लोग आएंगे जो तुमको भरमा देंगे। हालेलुया, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी आपके पास आएगा, बोलेगा कि मैं ये बाबा हूँ, ये हूँ, आप ये लो, ये टोटका वगैरह कुछ तो करेगा, आपको कुछ खाने के लिए देगा, तो क्या आप उसके बातों में आ जाओगे क्या, है ना, कुछ भी बांधने के लिए बोलेंगे, ये बांधने से कोई ठीक होता है, मुझे तो नहीं लगता, है ना, क्योंकि अगर परमेश्वर ने हमको बनाया जब हम माता के गर्भ में थे, हम जब हॉस्पिटल में हमारी पैदाइश हुई तो हमारे शरीर पर ना कोई धागा था, ना कोई टीका था, कोई निशान था, कुछ था क्या, कुछ नहीं, हम लोग एकदम पवित्रता ही से इस दुनिया में आए और वैसे ही परमेश्वर हमको चाहता है। हालेलुया, वैसे ही ना हमारा कुछ, हम कान में कुछ बाली नहीं पहने थे, हम पायल नहीं पहने थे, या हम गले में कुछ पहने नहीं थे, या काला धागा लोग बंद है आजकल, लाल धागा, हम ये कुछ भी नहीं किए थे, क्योंकि हमको परमेश्वर ने, हम अगर माता के गर्भ में ऐसा बांध के निकालते तो कुछ अलग ही हो जाता है ना, लेकिन परमेश्वर ने हमको बिल्कुल एकदम साफ और एकदम पवित्रता से हमको इस दुनिया में लाया।
हालेलुया। लेकिन इस दुनिया में मनुष्य किसी भी चीज पर भ्रम में आकर वो हमें हमें बंधनों में बांध देता है। और वही पौलुस कह रहा है कि आज के समय में बहुत से यीशु के नाम से भी आपके पास आएंगे, तो क्या आप विश्वास करोगे? सब कोई बोलता है सब भगवान एक ही है ना? नहीं, परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। हमने देखा है, हमारे जीवन में हमने अनुभव किया है, एक ही परमेश्वर है और कोई नहीं। उसका नाम यीशु मसीह है ना। हर एक घुटना उसी के नाम से झुकेगा और हर एक जबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। इसीलिए पौलुस कह रहा है कि तुम धोखा ना खाना इस दुनिया में। क्या कहता है, अगर उसके ऊपर पड़ेंगे हम 28 से पढ़ेंगे। और जब एक मिनट, 25 से पढ़ो। क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पाँव तले न ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पाँव तले कर दिया है। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा। और जब सब कुछ अधीन उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा। जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। नहीं तो जो लोग मरे हुए हो के लिए बपतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते? और हम भी क्यों हर घड़ी जोखिम में पड़ते रहते? क्या बोल रहा है? नहीं तो जो लोग मरे हुए के लिए बपतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे, है ना? आजकल बहुत से लोग मतलब यीशु के नाम से आ जाते हैं और बपतिस्मा देते हैं ना। अभी जैसे हम लोग बहुत से लोग सुनते हैं जो विंद्र से माता यरूशलेम है, ये लोग बपतिस्मा देते हैं। लेकिन ये लोग सब पुराने चीज को मान रहे हैं, लेकिन हमारा यीशु मसीह ने नया चीज सिखाया हमको और हर एक बंधन से हमको आजाद किया। हालेलुया। हर एक बंधन से क्या किया परमेश्वर ने? आजाद किया। और परमेश्वर यहाँ क्या कह रहा है कि पौलुस कह रहा है जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी ही नहीं उठते तो क्यों उनके लिए बपतिस्मा ले? हालेलुया। क्योंकि मुर्दे जी ही नहीं उठते तो उनके लिए कैसे हम बपतिस्मा ले? हालेलुया। हम यीशु के नाम से बपतिस्मा लेंगे क्योंकि वो जी उठा, उसकी कब्र आज भी खाली है। हालेलुया। उसकी कब्र आज भी खाली है। और वो जब जी उठा उसके बाद 40 दिन उसके शिष्यों को दिखाई देता रहा, लोगों को दिखाई देता रहा। इसका मतलब क्या है? वो जिंदा हुआ। हालेलुया। और हम जिंदा परमेश्वर के लिए जिएंगे। हालेलुया। मरे हुओं के लिए नहीं। और यहाँ पे क्या कह रहा है? उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं। और हम भी क्यों हर घड़ी जोखिम में पड़े रहते हैं? यीशु मसीह क्या बोल रहा है? पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि आप लोग क्यों हर वक्त जोखिम में पड़े रहते हो? आप जोखिम समझते हो, खतरे में, हर एक खतरे में क्यों पड़े रहते हो? जबकि आपको पता है कि यीशु ही प्रभु है। आपको पता है कि यीशु मसीह ही आपका उद्धार करता है। आपको पता है यीशु मसीह आपको छुड़ाने वाला है। आपको मालूम है यीशु मसीह आपको हर एक जो बुरी चीजों से बचाने वाला है। तो परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि तुम हर एक टाइम में जोखिम में क्यों पड़े रहते हो, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। हालेलुया। ये पौलुस क्वेश्चन मार्क करता है ना, क्या कर रहा है? क्वेश्चन मार्क वहाँ पे बोल रहा है। और हम भी क्यों हर घड़ी जोखिम में पड़े रहते? हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो आज हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। क्या करता है वो? प्रतिदिन मरता है। हालेलुया। वो जोखिम में पड़ता है, प्रतिदिन मरता बोले तो उसको भी चिंताएं थी, उसको भी प्रभु का प्रचार करते करते बहुत से मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। हालेलुया। अगर आप कुरंथियों पढ़ोगे, प्रेरितों के काम पढ़ोगे, रोमियो पढ़ोगे, तो पौलुस को कई बार मार के फेंका गया है ना, कई बार वो मर ही गया था, लेकिन यीशु मसीह ने उसको जिंदा किया। हालेलुया। क्योंकि उस प्रभु यीशु मसीह का समय नहीं आया था कि उसको ऊपर बुलाए, उसको कई लोगों के सामने प्रभु का प्रचार करने के लिए, उसकी गवाही देने के लिए परमेश्वर ने उसको खड़ा करना था। आज आप लोग को भी परमेश्वर गवाही देने के लिए खड़ा कर रहा है।
आपको जिंदा क्यों रखा? आप लोगों को कल जन्मदिन था ना, प्रभु ने आपको और एक जिंदगी क्यों दी? क्योंकि आपको प्रभु की गवाही देने के लिए। अगर आपकी जिंदगी नहीं रहती तो आप गवाही नहीं दोगे, लेकिन प्रभु ने हमको एक जिंदगी दी कि उसकी गवाही देने के लिए। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कह रहा है, फिर क्या बोलता है, यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसियस में वन पशुओं में लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे, है ना? मुर्दे अगर जिलाए नहीं जाएंगे तो हम लोग चलो खाओ पियो, मतलब यहाँ पे क्या बोला, तुम इंजॉयमेंट करो, तुम ये शांत क्यों बैठे हो? हालेलुया। तुम शांत क्यों बैठे हो? आओ खाओ पियो, हम लोग भी मरने वाले, यही सोच के आप जिंदगी जियो, ऐसा पौलुस कह रहा है ना? कई बार हम लोग सुनते हैं ना, आपके फ्रेंड्स बोलते हैं, अरे क्या तू ये यीशु यीशु करती है, चर्च करती है, जी ले जिंदगी, कल को पता नहीं क्या हो जाएगा। हमको मालूम है कल क्या होने वाला है, हमारी दूसरी जिंदगी आने वाली है, और वो अनंत काल की जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया। और वो लोग जो है मरे हुए में, उनको बचाने के लिए प्रभु ने हमें रखा है। इसीलिए पौलुस क्या कहता है फिर आगे के वचन में, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्रों को बिगाड़ देती है। अगर आप अच्छे चरित्रता में चल रहे हो, आपको मालूम है, जैसे अभी ये सिस्टर ने, मतलब वो जो करती थी, जो एडिक्शन था उनको मिस्री का, प्रभु ने उनको छुड़ा दिया क्योंकि वो अच्छे संगति में आई। अगर हम भी बुरे रहते, अगर उनको नहीं बताते, तो वो पूरी तरह से बिगड़ जाती और उस चीज से बहुत हानि होती। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उनको अच्छी संगति में रखा, तो परमेश्वर ने उनको वो चीज बताया और वो अच्छी संगति से बच गई। हालेलुया। क्या बोल रहा है पौलुस, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो, किस चीज के लिए उठो? धर्म के लिए। मत्ती में पांचवा अध्याय में कहता है, जो धर्म धर्म के भूखे और प्यासे हुए क्या किए जाएंगे? क्या आप लोग धर्म के भूखे और प्यासे हो क्या? है ना, आप धर्म के भूखे और प्यासे हो, या इस दुनिया के लिए धर्म, इस दुनिया के भूखे और प्यासे हो? अगर आप इस दुनिया के भूखे और प्यासे हो, तो पौलुस क्या कह रहा है, खाओ पियो और मर जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है ना, तुम खाओ पियो और मर जाओ, कुछ चिंता की बात नहीं। लेकिन अगर तुम धर्म के भूखे प्यासे हो, परमेश्वर धार्मिकता व्यक्ति को ही प्यार करता है। हालेलुया। आप अगर धर्मी नहीं है, परमेश्वर ने जब आपको चुन लिया तो आपको धर्मी बनाता है वो। हालेलुया। क्या करता है, धर्मी बनाता है। ऐसा नहीं कि हम लोग माँ के पेट से ही धर्मी पैदा हुए, नहीं, हमने बहुत गलतियां की, पाप किए, सब कुछ किया, लेकिन परमेश्वर ने जब हमको चुन लिया, हम विश्वासी हो गए, तो हमको परमेश्वर ने हमको क्या कर दिया, धर्मी बना दिया। इसीलिए पौलुस कह रहा, तुम धोखा ना खाओ, बुरी संगति तुमको बिगाड़ देगी। तुम अगर अच्छे कुछ बातें सीख गए हो, तो तुमको क्या करेगा, बिगाड़ देगा। आप अभी सभी के लिए वचन है, जो ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए, जो घर में है उनके लिए, जो लोग अपने रिश्तेदारों में है उनकी, सभी के लिए है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और क्या कहता है, धर्म के लिए जाग उठो और तुम पाप ना करो। क्या मत करो? पाप मत करो। मतलब इसका मतलब क्या है, हम अभी भी पाप में गिर सकते हैं। अगर हम सही रीति में जाग नहीं उठेंगे, तो हम लोग क्या होंगे, पाप में गिर जाएंगे। आप लोग को अच्छा लगेगा क्या, आप पाप में वापस गिर जाओ? नहीं ना, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हमेशा पौलुस कहता है, एक दूसरों के लिए ना प्रार्थना बहुत जरूरी है। आप आपकी कलीसिया में आपके भाई बंधुओं के लिए हमेशा प्रार्थना करो। अपने को नहीं पता उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है, और वो शैतान उनके साथ, उनके दिमाग के साथ खेल के, या उस पे बोझ डाल के वो किस तरह से उनको पाप में डाल दे। हालेलुया। तो आप एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो, कलीसिया में निरंतर आते रहो, हर एक प्रार्थना अटेंड करो, ताकि आप पाप में ना गिर पड़ो। हालेलुया। और क्या बोल रहा है, पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर को जानते हो सिस्टर? परमेश्वर को जानते हो कृष्णा? नहीं जानता? जानता है प्रिया? कैसे आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि परमेश्वर कौन है? आपके साथ परमेश्वर है, कौन सा परमेश्वर? परमेश्वर है, कैसे फाइंड आउट करोगे? है ना, आपके पास कुछ मतलब यीशु मसीह के नाम से लोग आ गए और आपको बोले, तो आप क्या करोगे उस टाइम? है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि पौलुस क्या कह रहा है,
बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को जानते नहीं है। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए बात कह रहा हूँ, तुमको शर्म आनी चाहिए ऐसा बोल रहा है, तुमको लज्जित होने के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि बहुत से लोग परमेश्वर को जानते नहीं। कुछ भी आपके सामने कुछ भी ला के खड़ा कर देंगे, बोलेंगे परमेश्वर है परमेश्वर है। आप खुद की बुद्धि से कैसे लगाओगे? आपके पास कोई नहीं है ना, आपके पास्टर है ना आपके सिस्टर है, आपके पासबान कोई नहीं है, और आप कहीं ऐसे जगह फंस गए हो और आपको लोग आके बोल रहे हैं हम परमेश्वर है, मतलब आपको यीशु मसीह के नाम से बोल रहे, तो आप कैसे रेक्टिफाई करोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे? मान ले प्रिया उसके जॉब के लिए जाती, बहुत दूर जाती है ना, और वहाँ पे उसके कुछ फ्रेंड्स आ गए और बोलते हैं ना हम लोग भी मानते हैं यीशु को ऐसे, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? आप बोले ना सभी लोगों ने हम परमेश्वर को जानते, तो कैसे आपको पता चलेगा? चाल चलन से, व्यवहार से, बातचीत से, प्रार्थना से, क्या वो उसके अंदर बदलाव है क्या? क्या वो अगर वो व्यक्ति बोल रहा है यीशु मसीह में हूँ लेकिन गुस्सा कर रहा है, गाली दे रहा है, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए नहीं ये तो भेड़िया है, भेड़ियों के रूप में आ गए, ये हमारे जैसे नहीं है, है ना, हमारे हमारे कबीले के लोग नहीं है। आपको पता है ऐसे कबीले के लोग रहते हैं ना, दूसरे लोग आएंगे ना बोलेंगे हमारे कबीले के लोग नहीं है, उसको मार डालेंगे तो भगा देंगे। और पौलुस सेम कहता है अगर आपके घर में ऐसा कोई यीशु का नाम लेके आए उसको पानी तक मत पूछना, भगा देना उठा के, भाग यहाँ से। ये पौलुस कहता है इस अध्याय में, आप पढ़ो अच्छी तरह से, इसीलिए बाइबल का नया नियम पढ़ना बहुत जरूरी है। और ये अंतिम दिन चालू है कलीसियाओं में, आज से नहीं हो रही है, ये पौलुस के टाइम से हो रहा है, जब से कलीसिया उत्पन्न की गई तब से ये सारी चीजें हो रही है। तो इसीलिए पौलुस क्या कर रहा है, बहुत से ऐसे जन हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते और कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आज परमेश्वर हमें क्या कह रहा है कि अगर तुमको मरे हुओं का बपतिस्मा कोई दे रहा है तो तुम वहां में मत जाओ, क्योंकि वो जिंदा होने वाला ही नहीं है, तुम क्यों धोखा खा रहे हो? इसीलिए वो आगे बोलता है धोखा मत खाओ। हालेलुया, अगर तुमको मालूम है यीशु ही जिंदा परमेश्वर है, वो कब्र आज भी खाली है। अगर आप इजराइल नहीं जा पा रहे तो यूट्यूब पे देख लो, वो लोग सब दिखाते हैं कि अभी भी वो खाली है, उसमें कोई व्यक्ति को ना पहले रखा था, मतलब जो मरा हुआ रहेगा उसको कभी नहीं रखा था, और ना यीशु के जी उठने के बाद किसी को रखा, वो बहुत पवित्र जो कब्र है वो बहुत पवित्र, अभी भी बंद करके रखा वहाँ पे, यीशु मसीह का अभी भी कपड़ा है इससे। हालेलुया, क्योंकि हम लोग देखते हैं ना नेट पे तो लोग दिखाते रहते हैं, और वो क्या झूठ नहीं दिखाएंगे ना, गूगल वाले झूठ नहीं दिखाएंगे ना, जो अपने मसीह भाई बहन वहाँ पे सर्च करके गए सच में देखा तो थोड़े ना झूठ दिखाएंगे। हालेलुया, अभी भी कब्र खाली है और यीशु मसीह जिंदा है और वो आज हमारे बीच में। हालेलुया, कितने लोग विश्वास करते कि यहाँ पर प्रभु है, विश्वास नहीं, ये बात को गांठ ही मार लो कि यीशु मसीह यहाँ पर है। आप काम कर रहे हो घर में, यीशु मसीह वहाँ है। आप किसी से बात कर रहे हो, यीशु मसीह वहाँ है। आप चल रहे हो, यीशु मसीह वहाँ है। आप सो रहे हो, यीशु मसीह वहाँ है। आप गेम खेल रहे हो, यीशु मसीह वहाँ है, आपको देख रहा है। हालेलुया, आप किसी को गाली दे रहे हो, मन से गाली दे रहे हो, मतलब दिल में ऐसा जोर से नहीं बोल रहे, धीरे से नहीं, जैसे पूजा कल बोली ऐसा मेरे को हो रहा था लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैंने क्षमा मांगा प्रभु से, है ना, निकल जाता गुस्से में ना, तो वो मैं नहीं करूंगी, उसने क्षमा मांगा, परमेश्वर ने वो भी देखा। हालेलुया, इसीलिए याद रखो आपके हृदय को परमेश्वर टटोलता है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोगों का ना शरीर से छुटकारा हो जाता है लेकिन आत्मा से छुटकारा नहीं होता है, जो हृदय से, और परमेश्वर उनको बार बार वचन से ना छुटकारा देता है। क्योंकि मेरा जब छुटकारा हो रहा था, मेरा शरीर से छुटकारा हुआ, दुष्ट आत्मा से छुटकारा हुआ, श्राप से, पाप से, बीमारी से हुआ, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं कुछ चीज रहता है, वो दाग परमेश्वर ही जानता है, और उसने मुझे कई दिनों के बाद छुटकारा दिया। हालेलुया, मुझे मालूम था कि मेरे दिल में ये चीज है। किसी के लिए क्रोध होगा, किसी के लिए द्वेष होगा, निंदा होगी, और मैं वो व्यक्ति के बारे में सोच के मैंने वो द्वेष रखा है, तो परमेश्वर तो जानता है ना मेरे हृदय को, उसने क्या बोला, तू शरीर से तो तेरा छुटकारा कर दिया लेकिन दिल से, इसलिए यीशु मसीह बोलता है तेरा हृदय मुझे चाहिए, अपना हृदय तुम मुझे दो। बार बार क्यों बोलता है? क्योंकि उसको साफ करना पड़ता है, और यीशु मसीह पुराना हृदय निकाल कर नया हृदय आपको डालता है, और आपको पता भी नहीं चलता, आपको खड़े खड़े ऑपरेशन होता है। इसीलिए हमने जैसे ये सिस्टर को क्या बोला, आप आराधना में जल्दी आया करो, हमारा ऑपरेशन होता नहीं तो अपने को पता नहीं है।
हमको इसी में तो छुटकारा मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो अनदेखी चीज पे विश्वास करता है वो सबसे बड़ा विश्वासी है। मतलब मैंने मान लिया, मैंने देखा नहीं कि प्रभु ने मेरे जीवन में क्या काम किया है, लेकिन मैंने मान लिया और मैंने देखा भी नहीं, और परमेश्वर ने प्रभु बोला मेरी बेटी ने विश्वास कर लिया, अब इसके लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। मैंने विश्वास कर लिया, मैं स्वर्ग में हूँ और इस चीज को कोई झुठला नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन अगर आप डर के हैं, हम लोग स्वर्ग में है या नहीं है पता नहीं, तो आपके काम से आप खुद कॉन्फिडेंस में नहीं हो, है ना? क्योंकि आपको पता है कि सिस्टर नहीं देख रहे, पास्टर नहीं देख रहे, अपने कलीसिया को कोई भाई बहन नहीं देख रहा है ना, और हम लोग व्यभिचार कर रहे, हम गंदे काम कर रहे, हम शराब पी रहे, हमें ऐसा लगता है हम लोगों को ना कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन आपको पता है यीशु मसीह आपको देखता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए आपके भाई बहनों के लिए बहुत प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड। आज कई से लोग है जिनको प्रभु यीशु मसीह पता नहीं है, आप उनके लिए आशीष का कारण हो सकते हो। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है कि आज प्रभु आपसे क्या बात कर रहा है? तो आप धोखा मत खाओ, है ना? एक प्रभु बोलता है भरमाए ना जाओ, और एक कहता है धोखा ना खाओ। तुमको धोखा देने के लिए बहुत से भेड़िए खड़े है। हालेलुया। कोई अपने अपने चर्च पे अपने बहने है, उसको कोई भी लड़का आके कुछ भी बोला मैं तुझे शिले प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं चांद तोड़ के लाऊंगा, ये तोड़ के लाऊंगा, और ये बच्चे सोच रहे नहीं किसको पता चल रहा है, चलो ये लड़के के पीछे, और आप धोखा में पड़ जाओगे। बहुत ध्यान रखो, आपका एक ही दोस्त है, आपका एक ही बॉयफ्रेंड है यीशु मसीह। हालेलुया। और आपके लिए परमेश्वर ने जोड़ी रखा है। हालेलुया। क्या रखा है? एक सही लड़का आपके लिए रखा है, तो आप इसमें गलत में कभी मत आना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आप हमेशा याद रखो कि इसीलिए पौलुस कह रहा है तुम धोखा ना खाओ, पाप में ना गिरो, बुरी संगति से दूर रहो, धर्म के लिए जाग उठो और परमेश्वर को पहचानो। हालेलुया। आप इंडिविजुअली प्रभु को पहचानो। और आपको नहीं अगर समझ आ रहा प्रभु को, प्रभु मैं आपको दिल में बुलाती हूँ, मेरे दिल में आप आइए। अगर आप मेरे दिल में रहेंगे, मेरे अंदर रहेंगे, परमेश्वर मुझे कोई भरमाएगा नहीं, मुझे देख के मेरे अंदर मुझे मेरे सूरत को नहीं देखेगा, लेकिन आपके ज्योत आपका प्रकाश उसके ऊपर पड़ेगा, वो देखेगा और वो भाग जाएगा, मेरे को नहीं भरमाएगा। हालेलुया। कितने लोग तैयार है आपके दिल में प्रभु को बुलाने के लिए, और कितने लोग तैयार है धोखा नहीं खाने के लिए? धोखा नहीं खाने के लिए। अपने पड़ोसी को बोलो धोखा मत खाना। धोखा मत खाना। जोर से बोलो धोखा मत खाना। और बोलो पाप में ना गिरना। पाप में ना गिरना। हालेलुया। पाप में ना गिरना। सभी लोग प्रेज द लॉर्ड।